दोस्तों, आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। मेरा बुलेट अभी तक 27,000 किलोमीटर ऑलरेडी चल चुका है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, यह है मेरा बुलेट, इलेक्ट्रा मॉडल है। और जो लोग होते हैं वो बुलेट के बारे में बहुत बुरा भला बोलते रहते हैं कि बुलेट ये है, बुलेट वो है, बुलेट से अच्छा ये गाड़ी है, बुलेट से अच्छा वो गाड़ी है। मगर आप लोग सोचिए, अगर ऐसा होता, बुलेट इतना बड़ा कंपनी है, इतना अच्छा उसका जो गाड़ी का सेलिंग है, वो क्या चूतिया है क्या? वो क्या दूसरे गाड़ी जैसा अपना गाड़ी को बना नहीं सकता है क्या? मगर देखिए, गाड़ी का, हर किसी गाड़ी का एक अलग अलग अंदाज होता है। हर किसी को बुलेट अच्छा नहीं लगता है, फिर भी अपने अपने ऊपर है, जिसका जो चॉइस है वो ही चलाएगा। तो कहने का मतलब यह है, बुलेट अच्छा है, मैं चलाता हूँ, बुलेट बहुत अच्छा है। तो गलत मत बोलिए, कोई भी गाड़ी के बारे में गलत मत बोलिए, क्या खराबी है, क्या अच्छाई है। तो अभी मेरा नया चैनल है ये, तो भाई और रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ होता है जिसको हमेशा केयर करना चाहिए। देखिए, अगर सही समय पे अगर सही चीज़ का इस्तेमाल नहीं करोगे, हाथ धो बैठोगे। क्योंकि छोटा छोटा चीज़ है जिसको हमेशा नज़र में रखना चाहिए। जो चेन का दिखा रहा हूँ अभी, देखिए कैसे क्लीन हुआ है पूरा। ये मैं घर में सफाई वफाई करता हूँ, बाहर इसको मैं लुब्रिकेट नहीं करता हूँ, क्योंकि बाहर बहुत पैसा लगता है। और घर में तो ऐसा छोटा छोटा सामान होता है जिससे ये काम भी हो सकता है। और इंजन ऑयल जो है उसको कितने किलोमीटर में चेंज करवाना चाहिए, स्पार्क प्लग को कितने किलोमीटर में चेंज करवाना चाहिए, शॉक ऑब्जर ऑयल का कितना किलोमीटर पे चेंज करना चाहिए, रेसर का ग्रीसिंग वगैरह वगैरह, जो भी छोटा छोटा चीज़ होता है, ऑयल फिल्टर हो गया और एयर फिल्टर हो गया, जो भी छोटा छोटा चीज़ होता है ना, उसको सही समय पे उसका चेंज करवाना चाहिए। और ये जो साइलेंसर देख रहे हो ना, ये मक्खन है भाई, जो आवाज़ होता है ना वो पूरा दिल को लगता है। इसके बारे में मैं दूसरा वीडियो भी बनाऊँगा, दूसरा वीडियो में सब कुछ बताऊंगा, मैं क्या क्या सामान लगवाया है, क्या क्या चीज़ कब चेंज करवाया है। इलेक्ट्रा मॉडल में जो लाइट हेडलाइट होता है ना, उसका थोड़ा लाइट भी कम होता है, तो मैंने नॉर्मल एक बॉल चेंज करवाया है, उसके बारे में भी बताऊंगा, कौन सा बॉल लगाया है, कितने वाट का है। और जो छोटा छोटा चीज़ होता है, स्टिकरिंग हो गया, जैसे छोटा छोटा मॉडलिंग हो गया, और सबसे बड़ी बात जो बुलेट का वाइब्रेशन होता है भाई लोग, बहुत सारे यूट्यूबर का वीडियो मैंने भी देखा है बुलेट हैंडल का वाइब्रेशन के बारे में, जो भी है खुद ट्राई किया, एक नुस्खा निकाला और मैं सक्सेस भी हुआ है। तो ज़्यादा नहीं, फिर भी 70% तो मैंने वाइब्रेशन का हल निकाल दिया है। दूसरा वीडियो में बताएंगे भाई, इंतज़ार करो।